विजय हो। कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लगता है विक्रम सिंह मेरी ओर आ रहा है, विक्रम आ रहा मेरी ओर, मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो कुछ मुझसे जरूर करेगा। दादाजी। हाँ बेटा विक्रम, आप फिर हमें उलझे उलझे लग रहे हैं। बेटा विक्रम, हाँ विजय के पास मैं रोज पत्र भेजता हूँ, लेकिन उस पत्र का कोई उत्तर मुझे नहीं देता, वो ना जाने क्या बात। अरे दादाजी, आप हमेशा विजय 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 के लिए परेशान। विक्रम, तू तो इस तरीके से बात कर रहा जैसे कि विजय तेरा कुछ ना हो। पगले, याद कर वो दिन जिस दिन हवेली में आग लगी थी, उस कमरे में तेरी बीवी और तेरा बेटा था, विजय भी था, लेकिन तुमने अपनी और पत्नी और बेटे को छोड़कर विजय की जान बचाया है। तुमने विजय के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, दूसरी शादी भी नहीं कर रहा। मैं जानता हूं तेरे दिल के अंदर भाई का नहीं बल्कि पिता का प्यार है, मैं जानता हूं। दादाजी, अगर ऐसी बात है, आप इतने परेशान हैं छोटे के लिए, तो सुबह गाड़ी में बिठाना आपको मेरा काम, और विजय का कान पकड़ कर लाना आपका काम। सही कह रहा है, लेकिन बेटा विक्रम, गांव से जो गाड़ी शहर जाती है वो सुबह ही चली गई है। तो कोई बात नहीं दादाजी, हम आपको कल गाड़ी पर बिठा देंगे। ठीक है बेटे, आइए मेरे साथ आइए दादा। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, सुमन दौड़ती हुई इधर ही आ रही है। अरे गुड्डी, मैं तुझे एक खुशखबरी बताने जा रही हूँ। कैसी खुशखबरी है? लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। तेरी जैसी है किस्मत और किसी की नहीं, बहुत पैसा वाला तू पाई है। जानती हूँ तू के है वकालत करे, बन के दुल्हन जब छोड़ घर जाऊंगी, जाए बारात भैया कि फिर तेरे घर, बनके दुल्हन तू ही मेरे घर आएगी। लेकिन मुझे शादी नहीं करना है। क्यों गुड्डी, तू शादी कर ले और मैं दुल्हन बनके तुम्हारे घर आ जाऊं। नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं, जो घर का काम है सारा मैं कर लूंगी। सुमन क्या हुआ भैया? देखो ना, मेरे पीछे पड़ी है, क्या हुआ? कहती शादी कर लो, शादी कर लो, मुझे शादी नहीं करना है। अरे पगली कैसी बातें करती है, ठीक तो कह रही है, शादी नहीं करेगी क्या, यही रह गया मेरा। बड़े भैया आप ही समझाए, मैं क्या समझाऊं। मैं अपने भैया को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं अपने भैया को छोड़ के चली गई तो मेरे भैया का ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगी, मैं। खाना बना के कौन खिलाएगा, उनके कपड़े कौन धोएगा? मैं सब कर दूंगी। फिर बोली सर्वर दबाओ। चुप, कौन है प्रताप ये, बहुत बोलती यार। बड़े भैया क्या बताऊं आपसे, शर्माती है बताते हुए। समझ गया समझ गया समझ गया, तेरे कहने का मतलब मैं सब समझ गया, सब समझ गया। ये जाए और तू इसके यहाँ आए, समझ रहा है? देख बहन गुड्डी, तुझे हम लोग हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। चार दिन अपनी ससुराल में रहना, 10 दिन प्रताप क्या रहना। भैया लेकिन मैं अपने भैया के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। बहन गुड्डी,
किसी के चले जाने से किसी का काम नहीं रुक जाता है। भैया विक्रम सही कह रहे हैं, अपनी शादी के लिए तू हाँ कर दे। क्या बताऊं बहन, तेरी जैसे मेरे भी बहन थी, आज मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अगर अपनी शादी के लिए तू हाँ कर देगी तो मेरे दिल के अंदर में बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। हाँ कर ले बहन, शादी के लिए हाँ कर ले। ठीक है, जब आप सबने सोच ही लिया है मुझे इस घर के घर से निकालने के, तो मैं हाँ करती हूँ। फिर यही बात करती है क्या? हाँ करती हूँ। कौन निकाल रहा है तुझे? प्रताप निकालेगा? भैया ये दस्तूर है गुड्डी, एक रहे दिन हर एक की बहन बेटी को ससुराल जाना पड़ता है। भैया अरे फिर बोल रही है, क्या मेरी दो वक्त की रोटी आपको अब महंगी पड़ने लगी है? पागल की तरह बात मत कर, नहीं तो तेरा भाई रोने लगेगा। समझदार है, बचपन से आज तक मैंने तुझे पाला, तेरा भाई तेरा माँ तेरा बाप सब कुछ हूँ बहन। मैं दुनिया की ताने नहीं सुन सकता। ठीक है भैया, मैं यहाँ करती हूँ। हाँ कर लिया। अरे वाह गुड्डी वाह, वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।